नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है आप सभी तक मैथमेटिक्स की नॉलेज को पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है सर्किल, जो हमने पिछले वीडियो में ये सीरीज शुरू की थी वृत्त की, सर्किल उसका ये दूसरा भाग है, यानी ये उसका दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, ताकि उसके बाद आपको क्रम से ये वीडियो समझ में, ये जो टॉपिक है वो समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने भाग एक में पढ़ा था वृत्त क्या होता है, ये हमने वृत्त पढ़ा था। किसी भी गोल चीज़ को 2D में, द्विविमीय में गोल चीज़ को हम वृत्त कहते हैं। उसके बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं। ये जो चारों तरफ जो रेखा हमने खींची है, चारों तरफ की जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। इस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, इसको R से हम डिनोट करते हैं। ये जो बिंदु होता है ये कहलाता है केंद्र, और ये परिधि का जो बिंदु जहाँ से इसको मिलाता है ये हमारी होती है त्रिज्या। यदि इस त्रिज्या को हम आगे तक बढ़ा दें तो ये हमारा पूरा कहलाता है व्यास। एक वृत्त में एक से ज़्यादा व्यास भी हो सकते हैं, तो यदि इस तरह से मैं यहाँ पर एक व्यास खींचूँ तो ये भी व्यास संभव है, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर व्यास खींचूँ तो ये भी व्यास संभव है। ठीक है, ये जो व्यास होती है ये परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है और केंद्र से गुजरती है, इसलिए इसे व्यास कहते हैं। इसके अलावा यदि कोई ऐसी रेखा है जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है, जैसे सपोज ये दोनों परिधि पे मैंने दो बिंदु लिए और इन दोनों को ये मिलाती है, तो इसको कहते हैं जीवा। ये जीवा होती है, ये व्यास होता है, व्यास केंद्र से गुजरता है, जीवा केंद्र से नहीं गुजरती। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो पहले वो वीडियो एक बार देख लीजिए, ताकि आपके वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद आपको ये जो वीडियो है ये बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो व्रत के भाग थे, वही हमें व्रत के भाग ही पढ़ने, व्रत के भाग जो हमने पढ़े थे उसी को हम पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने भाग देखे थे वो सारे भाग नहीं थे, उसके अलावा भी कुछ भाग होते हैं, तो उसके अलावा जो भाग है वो हम आज यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो हमारा भाग होता है वृत्त का, वो होता है चाप, इंग्लिश में इसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। अब देखिए चाप क्या होता है। चाप को आप सिर्फ इतना याद रखना, चाप की परिभाषा परिधि के भाग को चाप कहते हैं। परिधि के भाग को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। कैसे परिधि के भाग को चाप कहते हैं? सपोज यहाँ पर मैंने एक बनाया वृत्त, ये मैंने एक वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र है बीच में, और पूरा ये क्या है? वृत्त है। अब इस वृत्त की जो परिधि है, इसके आप पूरी परिधि के कहीं भी आप दो भाग कर लीजिए, कहीं भी आप इसको दो बिंदुओं से या दो टुकड़ों से इसको तोड़ दीजिए। सपोज मैंने एक तो यहाँ से तोड़ दिया और एक मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा परिधि का, ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा चाप। यदि मैं इसको ए बिंदु नाम दूं और इसको मैं बी नाम दूं, तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? चाप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा चाप ए बी, या इसको मैं इस तरह से डिनोट करूँगा ए बी, और ए बी के ऊपर मैं इस तरह से चाप का निशान लगा दूंगा। देखिए, ये जो ऊपर इस तरह का निशान होता है इसे चाप का निशान कहते हैं, और अगर मैं ए बी के ऊपर इस तरह की डंडी खींचूँ तो इसका मतलब ये रेखाखंड है, सिंपल एक लाइन है, जबकि ये लाइन नहीं है, ये गोलाई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ठीक है, चाप ए बी, या इसको चाप ए बी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जब ये चाप बना ए बी, तो ये जो ए बी चाप बना, एक तो ये बन गया। अब आप ये देखिए कि इसके ऊपर वाला जो भाग है ए बी, ये भी तो एक तरह का चाप है, क्योंकि ये भी इन्हीं दो टुकड़ों से एक परिधि का भाग है। जी हाँ, ए बी चाप ये भी होता है और ए बी चाप ये भी होता है। अगर आप यहाँ से गिनते हो तो इसको ए बी बोल दोगे, अगर आप यहाँ से गिनते हो तो भी इसका नाम तो ए बी ही होगा, लेकिन ये चाप अलग होएगा। इस तरह से जब कोई भी हम वृत्त में चाप खींचते हैं तो वो दो तरह के चाप बनाता है, उन दोनों में से एक चाप होता है वृहत चाप और दूसरा चाप होता है लघु चाप। ठीक है, जो वृहत चाप होता है उसे इंग्लिश में हम कहते हैं मेजर आर्क, और जो छोटा होता है उसे हम बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, अब मेजर का मतलब बड़ा और माइनर का मतलब छोटा। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं मेजर की बात करूँ तो ऊपर वाला जो है वो मेजर आर्क है, यानी वृहत चाप है,
ठीक है, और नीचे वाला जो है वो लघु चाप है। तो इस तरह से चाप दो प्रकार के होते हैं, एक वृहत एक लघु, वृहत जो बड़ा है और लघु जो छोटा है। ठीक है, तो ये हुआ चाप। उसके बाद हम चलते हैं अगला, अगला जो भाग है वो है वृत्तखंड। वो क्या है? वृत्तखंड। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। देखिए वृत्तखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड यानी सेगमेंट। वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त का टुकड़ा, और सेगमेंट का मतलब भी टुकड़ा होता है। तो जब हम वृत्त को दो भागों में बांट देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। उदाहरण के लिए ये मैंने एक वृत्त बनाया, ये इसके बीच में मैंने एक बिंदु बनाया। अब यहाँ पर मेरे को एक क्या करनी है? मेरे को एक जीवा खींचनी है। क्या खींचनी है? जीवा। अब जीवा क्या होती है? परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। सपोज यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया, एक बिंदु मैंने यहाँ पर लिया परिधि पर, और इन दोनों को मैंने मिला दिया। ये इसको मैंने ए नाम दिया और इसको मैंने बी नाम दिया। तो यहाँ पर जो ये मैंने मिलाया है ये क्या कहलाएगी? ए बी जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। ध्यान से देखिए, जब हम इस तरह से परिधि का भाग गिनते हैं, यदि इसको मैं यूं गिनता तो मैं इसको चाप कहता, चाप ए बी। लेकिन अब मैंने इसको सीधा गिना है तो ये कहलाएगी हमारी जीवा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसको हम बोलेंगे जीवा ए बी। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो जीवा ए बी है ये व्रत को दो टुकड़ों में काट रही है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि ये कोई गोल रोटी है और इसको यहाँ से इस तरह से काट दिया, ए बी के तहत चक्कू से इस तरह से काट दिया। तो इसके दो भाग बन गए, एक भाग तो ये, इसको मैं यूँ डिजाइन दे देता हूँ, और एक भाग ये, इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से व्रत के क्या बन गए? दो भाग। तो ये जो भाग हैं ये भाग क्या कहलाएंगे हम अपने? वृत्तखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वृत्तखंड। यानी कि वृत्तखंड की परिभाषा क्या होगी? जीवा द्वारा व्रत के भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। यानी कि जब एक जीवा व्रत को दो भागों में बांट देती है तो वो क्या कहलाते हैं? वृत्तखंड कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वृत्तखंड भी दो हैं, एक इधर और एक इधर। तो इनको, इनमें भी दो वृत्तखंड होते हैं, एक तो वृहद वृहत वृत्तखंड, या इसे हम मेजर सेगमेंट बोल देते हैं, और दूसरा जो छोटा होता है वो लघु लघु वृत्तखंड, जिसे हम माइनर सेगमेंट बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो छोटा है वो कौन सा होगा? ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा। यानी ये है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। ठीक है, जो वृहत दीर्घखंड होता, वृहत वृत्तखंड होता है, उसे हम दीर्घ वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। यानी वृहत और दीर्घ, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। दीर्घ वृत्तखंड भी बोल दो या वृहत वृत्तखंड भी बोल दो, एक ही बात होती है। उसी तरह से यहाँ पे जो हमने वृत्त चाप लिखा था, इसे हम दीर्घ चाप भी बोल सकते हैं। वृत्त और दीर्घ एक ही बात होती है, हिंदी के ही दो शब्द हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये हो गया हमारे वृत्तखंड। ठीक है, अगला जो भाग है, अगला भाग और इम्पोर्टेंट है, वो हम देखते हैं, वो है त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। देखिए खंड का मतलब तो वही भाग है, टुकड़ा, यानी ये भी एक वृत्त का टुकड़ा है, ये भी एक वृत्त का टुकड़ा था। वृत्तखंड जो होता है वो जीवा द्वारा दो भागों में बांटा जाता है, यानी जीवा द्वारा काटा जाता है, इसलिए उसे वृत्तखंड कहते हैं। लेकिन त्रिज्यखंड जो होगा उसको आप त्रिज्या द्वारा काटेंगे। क्या काटेंगे? त्रिज्या द्वारा। तो यहाँ पर मैं इसको अगर लिखना चाहूँ, इसकी परिभाषा लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? त्रिज्या द्वारा वृत्त के दो भाग त्रिज्यखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिज्यखंड कहलाते हैं, या इंग्लिश में इसे हम सेक्टर बोलते हैं। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रख लिए, अगर हिंदी मीडियम में हो तो भी हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिए, क्योंकि आगे जाके आपको दोनों नाम ही याद होंगे तो ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। त्रिज्यखंड कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको चित्र से समझते हैं। ये मैंने बनाया एक व्रत, ये मैंने इसमें बीच में बनाया केंद्र। अब मेरे को क्या करना है? इसमें दो त्रिज्या खींचनी है। तो एक त्रिज्या तो मैंने ये खींच दी, दूसरी त्रिज्या मैंने सपोज यूँ खींच दी, आप कहीं भी खींच सकते हो। तो ये ध्यान से देखिए, इसको मैंने नाम दिया ओ, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। तो ये जो ओ बी ए, ये जो पूरा पूरा भाग हो गया, ये हमारा भाग क्या कहलाएगा? ये पूरा जिसको मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये हमारा भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। इसी तरह से इधर जो भाग बच गया, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड।
तो ये जो वृत्त के दो टुकड़े हुए हैं ये त्रिज्याओं द्वारा हुए हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में यही फर्क है। वृत्तखंड जो होते हैं वो जीवा के द्वारा दो टुकड़े किए होते हैं, त्रिज्याखंड जो होते हैं वो त्रिज्या के द्वारा दो टुकड़े किए होते हैं, बस दोनों में यही फर्क है। त्रिज्याखंड भी दो प्रकार का होता है, एक तो वृहत त्रिज्याखंड और एक लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, वृहत बोल सकते हो या इसको क्या बोल सकते हो, दीर्घ बोल सकते हो। दीर्घ और वृहत एक बात होती है, चाहे वृत्तखंड हो चाहे त्रिज्याखंड हो चाहे चाप हो, दीर्घ और लघु दो होते हैं। अब वृहत त्रिज्याखंड जो होता है उसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, और जो लघु होता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिज्याखंड। तो वीडियो का साइज ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए अब आप देखिए, व्रत के जो भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे वो सारे भाग हैं ही, उसके अलावा व्रत के तीन भाग और हैं जो हमने आज की वीडियो में देखे, वो हैं एक तो चाप, व्रत की परिधि के कोई भी दो भाग, दो तरह के होते हैं दीर्घ और लघु, वृत्तखंड जीवा के द्वारा जो व्रत के दो टुकड़े होते हैं उसे वृत्तखंड बोलते हैं, और दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, जो बड़ा वृत्तखंड होता है उसे दीर्घ बोलते हैं, जो छोटा होता है उसे लघु बोलते हैं, और त्रिज्याखंड त्रिज्या के द्वारा जो भाग होते हैं उसे हम त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसे सभी को लाइक की दीजिए, और इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक में समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि उस समस्या का निराकरण किया जा सके। तो सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।